2020 माने 2020 के हज के ताल्लुक से जो भी सोशल मीडिया पे वायरल इन्फॉर्मेशन जो चल रहे हैं कि हज इस साल का कैंसिल हो गया करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोई अथॉरिटी सऊदी की या सऊदी काउंसिल वाले, हज काउंसिल वाले अब तक कोई हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि ये साल का हज कैंसिल होने वाला है करके। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, पहले ये चीज़ को सही तरीके से आप मालूम कर लीजिए, उसके बाद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो डाल रहे हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन पहले आप मालूम करके करिए, नहीं तो हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, तेलंगाना स्टेट के तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर एक FIR करेंगे जो कि ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और रही दूसरी चीज़, जितने लोग अब तक हज या हमारे पास से जो ये साल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, जो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 31 मार्च जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट थी, आप लोग आराम से जब भी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं आने वाले 21 दिन तक ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके तहत सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हमारे को ये गाइडलाइंस आई है कि आप लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ आप भरने की आपको इजाजत दी गई है। इसके अंदर आप लोग परेशानी की कोई बात नहीं, अगर 100 बार खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज हुई, अगर आपका हज अगर इस साल का अगर कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे हुए हैं, आप लोगों के पैसे सेफ है, कभी भी आप लोगों को सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। और जो हालात अब जो चल रहे हैं, खासकर खुसूसी हैदराबाद की हद तक और तेलंगाना स्टेट की हद तक, जितने भी लोग जो बच्चे बाहर फिर रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में मत जाइए। अक्सर आप देख रहे हैं कर्फ्यू का माहौल है, लाठीचार्ज हो रही है, आप अपने महलों में जितने भी लोग हैं, जितने लोग ज़ईफ है, जो खासकर डायलिसिस पेशेंट है, ऐसे लोग आप अपने मस्जिद के खास जो रहने वाले हैं मस्जिदों के करीब अपने महलों में, वो लोग जानते हैं कौन आदमी क्या हालात है, कैसे हालात उनके गुजर रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे है आज की डेट में कि कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे फैमिलीज को आप मालूम करिए, निकालिए, ऐसों के लिए आप लोग अपने तरफ से कोई माली हालत से उनको जो सब कोई ना कोई चीज़ की आप हेल्प करिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। वरना क्योंकि आज देखिए बाहर हॉस्पिटल्स के पास रोडों पे कई ऐसे NGOs है जो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपने अपने जो जो चीज़ है अपने जैसा पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं अपने महल्ले में रहकर, खासकर अपने महल्ले के लोगों को आप हेल्प करिए, ये सही टाइम है। ये लड़ाई, ये कर्फ्यू कोई सियासी कर्फ्यू नहीं है, ना तो कोई रिलीजियस कर्फ्यू है, ये एक इंसानियत के लिए कर्फ्यू रखा गया है, जो कि हर किसी को कभी भी ये फ्लू आ सकता है, एक बहुत डेंजर बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, खासकर ज़ईफ़ लोगों को और बच्चों को। आप लोग ये चीज़ों से दूर रखिए और खासकर घर में रहिए, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐसे लोगों पे 1 से 2 बार पकड़े जाने के बाद भी केसेस बुक कर रहे हैं, और CM साहब का ये ऐलान है कि अगर ऐसा नहीं भी हो करेंगे तो इनके ऊपर PD Act भी डाला जाएगा। तो साहब जो सफ़ीर है अब्दुल्ला अहमद बिन अब्दाद जो ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो लोग PTOs के ताल्लुक से दिए गए हैं, जो कि जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स है जो यहाँ से हाजियों को बुक करके प्राइवेट तरीके से जो लेके जाते हैं, जो लाइसेंस होल्डर है, वो लोग वहाँ पर अपनी होटल्स बुक अभी नहीं कराएं, क्योंकि अभी हालात क्या आगे होने वाले हैं, ये साल हज होने वाला है या नहीं होने वाला है, होए भी तो कितने लोगों को ये साल वो लोग कराएंगे, अभी वो चीज़ की क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं आई। इस वजह से बोला गया है कि अभी आप लोग कोई भी हाजियों से पैसा इन एडवांस में ना ले, इम्कान नहीं होने। अभी सऊदी हुकूमत ये चीज़ का भी ऐलान नहीं करी है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी ये चीज़ हज हो सकता है और हज इंशाल्लाह ताला होने के पूरे चांसेस हैं। या फिर सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से जो भी इसके ऊपर फैसला होगा, वो फैसले के हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा, जो जो लोग नॉर्म्स इसके हिसाब से फिट करेंगे उस हिसाब से हमारे को डिसाइड करके चलना पड़ेगा, सबसे अपने को करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पैसे दिए हुए हैं उनके तो पैसे महफूज है, अगर अल्लाह ना करे अगर हज इस साल का नहीं हुआ है तो उनके पैसे उनको रिटर्न किया जाएगा।